अस्सलाम वालेकुम आई होप यू ऑल आर फाइन एंड स्टेइंग सेफ़ एंड हैप्पी आई एम योर जी के टीचर मिस फरहीन एंड आई वेलकम यू यूर जी के क्लास माई डियर स्टूडेंट्स एज़ यू नो दैट वी आर ऑन यूनिट नंबर 15 एंड द नेम ऑफ़ यूनिट इज़ ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई कि आसमान पर मौजूद जो मुख्तफ चीज़ें हैं जो आपको दिन और रात में आप ऑब्जर्व करते हैं हम इस चैप्टर में उनके बारे में पढ़ रहे हैं सो माई डियर स्टूडेंट्स आज हम एक एक्टिविटी करेंगे ये बेसिकली होम एक्टिविटी है जो कि आपने होमवर्क में करनी है लेकिन तमाम इस हैं जो टीचर्स है, हैं वो बच्चों को एक दफ़ा क्लास में इसके लिए प्रिपेयर करेंगे कि किस तरीके से उन्होंने इस एक्टिविटी को जो है घर में सर अंजाम देना है सो माई डियर स्टूडेंट्स लेट्स गेट स्टार्ट विद री कैप ऑफ द प्रीवियस लेसन सो इसके लिए आपको क्वेश्चन को गौर से सुनना है और फिर उसको आंसर करना है वेन डज मून कम

इन तमाम चीजों को इस तरीके से बच्चे जो है आइडेंटिफाई करके नेम कर सकेंगे सो माई डियर स्टूडेंट्स लेट्स क्विकली मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स प्री रीडिंग क्वेश्चन सो क्विकली टेल मी डज द राइजिंग टाइम ऑफ मून रिमेन सेम ऑल द डेज क्या चांद के निकलने के जो औकात है वो पूरे महीने एक जैसे रहते हैं या पूरे साल में एक जैसे रहते हैं नो दे चेंज क्योंकि दिन जो है वो कभी लंबे हो जाते हैं कभी छोटे हो जाते हैं तो इस वजह से राइजिंग ऑफ सन एंड राइजिंग ऑफ मून जो है

observe the sky at evening at and at night at what time stars and moons begin to appear on the sky using the digital watch continue observing for one week so my dear students apne kya observe karna hai aapne ye observe karni hai ki rozana sham ke vaat, किस टाइम जो है चांद और आ, सितारे जो हैं वो आपको आसमान पे नज़र आना शुरू हो जाते हैं आपने एक हफ्ते के लिए कॉन्टिन्यूसली जो है इसको टाइम को नोट डाउन करना है यूजिंग अ स्टॉप वॉच जो आप मोबाइल में आराम से जो है स्टॉप वॉच इस्तेमाल कर सकते हैं आपने अपने उसको ऑन करना है तो आपको जो है डिजिटल वॉच डिजिटल वॉच आपके मोबाइल फोन्स में भी होती है तो उससे आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं तो आपको एग्जैक्ट टाइम पर आता चल जाएगा पाँच बज के दो मिनट पर निकले थे पाँच बज के पाँच मिनट पर निकले थे इस तरीके से सो माई डियर स्टूडेंट्स नाउ लेट्स क्विकली लुक एट द क्वेश्चन उसके बाद आपने इस टेबल को फिल करना है सो द मून राइजिंग टाइम आपने डे वन पे इसको नोट करना है डे टू पे नोट करना है थ्री पे फोर पे फाइव पे सिक्स पे सेवन पे फॉर फुल वीक यू हैव टू नोट इट डाउन द स्टार्स अपेयरिंग टाइम और सितारे किस टाइम आपको नजर आना शुरू हुए क्योंकि चांद आपको जरा जल्दी नजर आना शुरू हो जाता है क्योंकि सितारे जरा जमीन से बहुत दूर है तो वो हमें थोड़ी देर बाद नजर आना शुरू होते हैं जबकि थोड़ी कंप्लीट डार्कनेस होने लग जाती है सो so, पांच बजे शाम को मैंने जब ऑब्जर्व किया तो शाम को पाँच बजे जो है आजकल चांद जो है वो नजर आना शुरू हो जाता है हल्की हल्की अभी रोशनी होती है सूरज की और चांद आपको विजिबल जो है वो हो जाता है और uh, सितारे जो हैं वो तकरीबन पाँच बजे नहीं ये मुझे छः बजे जो है वो नज़र आना शुरू हो जाते हैं जैसे जैसे रोशनी मजीद कम हो जाती है नेक्स्ट स्टेप uh, जो चाँद है ये अगेन ये पाँच बजे निकला और जो सितारे हैं ये छः बजे जो है वो निकले थे ठीक है इसी तरीके से आपने पूरा हफ़्ता जो है आपने टाइम जो है वो नोट डाउन करना है ये टाइम जो है थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा दो तीन दिन बाद आप एक मिनट का वक्फा पड़ जाएगा फिर दो मिनट का इस तरीके से क्योंकि आजकल जब जिस टाइम पे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करी हूं आजकल जो डेज हैं दे आर बिकमिंग शॉर्टर तो शाम जो है वो जरा जल्दी हो जाती है रात जो है वो जल्दी आ जाती है तो इस तरह से आपने इस टाइम पीरियड को नोट करना है आप हर दफा इसमें कमी पाएंगे नेक्स्ट टाइम फोर फिफ्टी नाइन पे जो है प्रॉबेबली आपको चांद नजर आना शुरू हो जाए तो इस तरीके से आपको ये टाइम जो है ये नोट डाउन करते जाना है ठीक है और पूरे वीक के साथ पेरेंट्स ने आपको इसके साथ हेल्प आउट करना है सो माई डियर स्टूडेंट्स इसके बाद आपने अपनी ऑब्जर्वेशन जो है इस चार्ट में रिकॉर्ड करनी है हाउ मेनी मिनट्स द टाइम वेरीज मून एंड स्टार्स अपेयर ऑन स्काई विद ऑलमोस्ट विद फिफ्टी मिनट्स टाइम वेरिएशन दैट आई वुड से इट वॉज फाइव मिनट्स वेरिएशन ओके एंड डज नाइट फॉल अर्ली और लेट नाइट मे फॉल अर्ली और लेट नाइट मे फॉल अर्ली तो आजकल क्योंकि अर्ली है तो आप जब भी ये वीडियो रिकॉर्ड करेंगे आपको अर्ली या लेट बताना है कि क्या जल्दी जो है वो रात आ रही है या देर से आ रही है तो क्योंकि आजकल मैं आपको बता रही हूं कि दिन का वक्त छोटा होता जा रहा है तो जो रातें हैं वो जल्दी या शाम जो है वो जल्दी हो जाती है तो यहाँ पे आज कल जो मैं टाइम रिकॉर्ड करी हूँ इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर तो इसमें जो है वो दिन अब शॉर्ट होते जा रहे हैं तो नाइट कम्स अर्ली इस तरीके से आप इसे कंप्लीट करेंगे एट यो होम लेकिन साथ ही हम एवेलुएशन कर लेते हैं विद द डे पासिंग द शेप ऑफ द मून एंड मून राइज टाइम रिमेन द सेम नो द शेप ऑफ द मून ऑल्सो चेंजेस यानी कि चांद की शक्ल भी चेंज होती जाती है दिन गुजरने के साथ और जो चांद निकलने के औकात हैं टाइम है वो भी चेंज होता जाता है प्रैक्टिस टाइम है वर्कशीट आपको करनी है दिस इज द वर्कशीट दैट यू विल डू यू कैन डाउनलोड दिस वर्कशीट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो दिस वीडियो और यू कैन गेट गट एट फ्रॉम बायो टीचर राइट डाउन योर नेम एंड योर क्लास एंड देन स्टार्ट वर्किंग यू ऑन दिस शीट विच ऑब्जेक्ट वी सी एट नाइट और डे टिक द बॉक्स अकॉर्डिंगली सो ब्राइट मून नाइट टाइम सन डे टाइम स्टार्स नाइट टाइम रेनबो डे टाइम क्लाउड्स जो है हमें दोनों वक्त में नजर आते हैं सो दिस इज हाउ यू विल पॉज द वीडियो एंड कंप्लीट द वर्कशीट आई होप एवरीबडी हैज डन इ नाउ लेच क्विकली मूव फॉर्वर्ड टू वर्स द होम वर्क फॉर होम वर्क यू विल डू क्वेश्चन नंबर टू गवन ऑन पेज नंबर वन हंड्रेड एंड थर्टी एट यू विल डू द क्वेश्चन इन योर नोट और जो होम एक्टिविटी जिसके बारे में मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है आपने ये होम एक्टिविटी पूरा वीक जो है कंप्लीट करने के बाद ऑब्जर्वेशन के बाद आपने इसका रिजल्ट जो है वो क्लास के साथ शेयर करना है सो माय डियर स्टूडेंट्स दिस विल बी योर होमवर्क द रैप अप ऑफ द लेसन इज के जो चांद है ये पूरा महीना अपनी शेप्स चेंज करता जाता है कभी छोटा कभी बड़ा और इसके अलावा जो राइजिंग ऑफ द मून है उसका टाइम भी पूरा महीना एक जैसा नहीं रहता इट कीप्स ऑन चेंजिंग सो माय डियर स्टूडेंट्स आई होप यू हैव एंजॉयड द लेक्चर कीप एवरीबडी अराउंड यू सेफ हैव अ गुड डे थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़